हेलो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर हम भी वीडियो डालें, लेकिन आपको नहीं पता है कि एक वीडियो को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, यूट्यूब पर डालने के लिए किस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन वीडियो को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और उन एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है, एक वीडियो को किस तरह कंप्लीट किया जाता है यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में केवल यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक पूरा वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, किन किन एप्लीकेशंस की उसमें ज़रूरत होगी, और किस तरह से आप वीडियो को एडिट करके एक कंप्लीट वीडियो तैयार कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। मेरा नाम है सुधीर और आप हैं अभी मेरे चैनल द सुधीर जहांगीर पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यूट्यूब पर किस तरह से वीडियो हम बनाकर डाल सकते हैं, कैसे एक वीडियो को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों वीडियो को रिकॉर्ड करना। जैसे कि अभी मैं ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसको एडिट करने के लिए हमें कई सारी एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, और उन सभी एप्लीकेशंस के साथ हम इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो को काट सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, कोई छोटा वीडियो क्लिप या फोटो हम ऐड कर सकते हैं। ये सारे काम दोस्तों हम हमारी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी जो यहाँ पर ये लिस्ट नज़र आ रही है दोस्तों, इस लिस्ट में आप देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस मैंने दिखाई हुई है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है काइन मास्टर। दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है वीडियो को एडिट करने के लिए, और बहुत ही आसान है दोस्तों। इतनी आसानी से आप लोग इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं ना, मतलब बहुत ईजी टू यूज़ है ये एप्लीकेशन। अदर भी एडिटिंग एप्लीकेशन से जिनसे वीडियो एडिट कर सकते हैं, लेकिन काइन मास्टर बहुत ही आसान एप्लीकेशन है दोस्तों, इसका यूज़ करना बहुत ही ईजी है। लेकिन दोस्तों, यह है पेड, और अगर आप चाहते हैं कि काइन मास्टर को प्रो मोड इसका बिना वाटरमार्क वाला, कैसे आप काइन मास्टर का डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर कैसे करना करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, वो आप जाकर के मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं आप कि किस तरह से आप काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना वाटरमार्क के। तो दोस्तों, काइन मास्टर का मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए। दूसरी एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे पिक्स आर्ट। पिक्स आर्ट से पहले बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की एप्लीकेशन बैकग्राउंड इरेजर की। तो दोस्तों, अगर मुझे कोई भी फ़ोटो डालना होता है लेकिन उस फोटो में मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, तो मैं इस बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ अपनी उस फोटो से बैकग्राउंड को हटाने के लिए, और फिर बाद में उस फोटो का यूज़ करता हूँ मैं अपने यू वीडियो के अंदर, या फिर थंबनेल जब मैं बनाता हूँ तो थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा मेरी फोटो आती है, उसके पीछे बैकग्राउंड नज़र नहीं आता है, तो वो बैकग्राउंड में केवल इसी एप्लीकेशन के साथ हटाता हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरी नंबर की एप्लीकेशन जो आपको नज़र आ रही है पिक्स आर्ट। पिक्स आर्ट दोस्तों, जब वो मैं फोटो अपना बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद में उस फोटो को मैं पिक्स आर्ट के अंदर ओपन करता हूँ, और उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस वगैरह मैं एडजस्ट कर सकता हूँ पिक्स आर्ट से बहुत ही आसानी से। और दोस्तों, जो बॉर्डर मैं अपनी फ़ोटो के ऊपर लगाता हूँ वो भी मैं पिक्स आर्ट की मदद से ही लगाता हूँ। बहुत आसान है इसको यूज़ करना, और आप गूगल प्ले से इसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। चौथी जो ऐप आपको नज़र आ रही है दोस्तों यहाँ पर पिक्सल ऐप, ये दोस्तों एक्चुअली इससे थंबनेल में बनाता हूँ। थंबनेल बनाने के लिए मेरे को ये एप्लीकेशन बहुत मदद करती है दोस्तों, इतनी आसान इसको यूज़ करना है दोस्तों। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उस आपके जो थंबनेल बनेगा उसमें आप अपना फोटो ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, कलर आप दे सकते हो, मतलब जैसा आपको एक थंबनेल बनाना है वो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों, ये वो एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से मैं अपने वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अगर मुझे मेन है काइन मास्टर, काइन मास्टर के अंदर मैं अपने फोटो को सॉरी अपने वीडियो को मैं इंसर्ट करता हूँ, और उसके बाद में अपने वीडियो को अगर कुछ अनवांटेड पार्ट होता है मेरे वीडियो का तो मैं उस अनवांटेड पार्ट को क्रॉप करके या कट करके हटा देता हूँ, और साथ ही साथ अगर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना होता है तो मैं वो टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, और जो सब्सक्राइब वाला वो बटन आता है एकदम से बेल के साथ में, वो भी मैं काइन मास्टर के साथ ही अपने वीडियो के अंदर डालता हूँ। तो काइन मास्टर बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, अगर नहीं आपके पास तो आप बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इसका प्रो मोड आप मेरे वीडियो मिल जाएगा आपको पीछे।
तो आप भी इसी तरह से अपने वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब पर डालने के लिए, और आपका वीडियो अब रेडी हो जाएगा बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों चलिए यही था आज का इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।